हुजूर तुमको सितारों में ले चले। नमस्कार, स्वागत आप सभी का फिर से हमारे शो में, जिसका नाम है सफर संगीत का द वीकेंड शो। जी जनाब, मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ ऐसे सितारों के साथ, आपको रूबरू करवा रही हूँ ऐसे गीतकारों के साथ जिनके लिखे गीतों से हमारे संगीत का दामन झिलमिलाता है। उनकी अपनी चमक भले ही फीकी रही हो, लेकिन उनके लिखे गीतों से, उनके लिखे शब्दों के तेज से चांद तारे भी रोशन होते हैं। आप और हम करीब करीब हैं। आज हम उन गीतकार की बात करेंगे जिन्होंने कश्मीर की कली को खिलाया, कजरा मोहब्बत वाला ऐसा आंखियों में डाला और शब्दों की जोर से बांध कर जो सितारों में ले गए। जी, आज हम बात करेंगे शमसुल हुदा बिहारी, यानी SH बिहारी जी की। इतने बेहतरीन गीतों के जन्मदाता का जन्म हुआ था 1922 आरा बिहार में। SH बिहारी जी ने कोलकाता के प्रेसिडेंट कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की थी। हिंदी और उर्दू दोनों पर उनकी गहरी पकड़ थी और बांग्ला उनकी अपनी सी हो गई थी। कॉलेज के दिनों में ही SH बिहारी जी ने अपने कलम को धार देना शुरू कर दिया था। कई फिल्म और गीत उन्होंने उस दौरान लिखे और इस चीज के साथ साथ, गीत और लेखन के साथ साथ, उन्हें एक चीज पे और महारत हासिल थी, वो थी खेल। जी, SH बिहारी जी फुटबॉल खेलने में बड़ी महारत रखते थे और उस दौरान उन्होंने मोहन बागान के लिए भी खेला था और उनको हिंदी सिनेमा से जो शुरुआत ब्रेकअप दिया गया वो S मुखर्जी ने दिया था। लगभग 400 हिंदी फिल्मों के लिए बिहारी जी ने गीत लिखे और ओपी नैयर साहब तो उन्हें शायरे आजम के नाम से पुकारा करते थे। जी जनाब, इतने बेहतरीन गीत लिखने वाले, इतने उम्दा कलाकार, रोमांटिक गीतों में उनकी अपनी एक महारत थी। लेकिन 70 के दशक के आने तक रोमांटिक गीतों पे अपनी कलम की पकड़ रखने वाले SH बिहारी जी फिल्मों के बदलते जायके के साथ में अपनी शैली ना बदल सके और उनके लिए कठिनाई का दौर शुरू हो गया। इस कठिनाई के दौर के दौरान ही उन्हें सिर्फ एक और सफलता मिली, वो थी फिल्म प्यार छुपता नहीं, किसे याद नहीं। जी, उसका स्क्रीन प्ले और सॉन्ग्स दोनों ही SH बिहारी जी ने ही लिखे थे। इस सफलता के बावजूद भी SH बिहारी जी वो समृद्धि, वो प्रसिद्धि दोनों ना पा सके जो उन्हें स्थायित्व दे सकती, और समय के थपेड़ों के साथ परिस्थितियों के आगे मजबूर होते हुए SH बिहारी जी तकलीफ और कठिनाइयों के बढ़ते बढ़ते 25 फरवरी 1987 को इस दुनिया को अलविदा कह चले। इस मौके पर आज उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। आज हम पेश करेंगे उनका ही लिखा एक गीत, फिल्म कहीं दिन कहीं रात का ये नगमा, महेंद्र कपूर की आवाज में, संगीत था ओपी नैयर का, मेरे सिवा कोई और भी हो खुदा न करे। जी हाँ, आपका और हमारा चाहने वाला भी और को ना हो। ये बेहतरीन गीत आज आपकी नजर भगवान दास की आवाज में। पहले ये गीत सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह शब्दों के बादशाह दाने दाने को मोहताज हुए इस गीत के बाद। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में, मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में, मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में,
ये बात कैसे गवारा करेगा दिल मेरा, तुम्हारा जिक्र किसी और की जबान पे हो। तुम्हारे हुस्न की तारीफ आए ना भी करे तो मैं तुम्हारी कसम है कि तोड़ दूँ उसको। तुम्हारे प्यार तुम्हारी अदा का दीवाना, मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में, वो दिन ना आए के मुझसे कभी जुदा हो कर किसी का प्यार दोबारा कहीं तलाश करो। झुका के सर को किसी अजनबी के शानों सहारा कहीं तलाश करो। करीब दिल के तुम्हारे किसी भी हालत में, मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में, मेरे बहुत ही खूबसूरत गीत था ये जी, जिससे महेंद्र कपूर साहब की आवाज का गंभीर्य मिला था और भगवान दास जी ने उस आवाज के साथ पूरा पूरा न्याय किया। मुझे पूरा यकीन है आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा जितना हमने किया। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि दाने दाने को किस तरह मोहताज हुए थे शब्दों के बादशाह एसएच बिहारी जी। गर्दिश के दौर में एसएच बिहारी जी के पास में खाने को कुछ भी नहीं था और उन्हें यहाँ तक कि अपने हाथ पे बंधा हुआ एक तावीज था वो पहनते थे जिसके अंदर एक सिक्का था, उसे बेचना पड़ा अपना पेट भरने के लिए। जनाब जिंदगी इसी को कहते हैं शायद, जो कभी तो गगन की ऊंचाइयों तक ले जाती है और कभी गर्द की गहराइयों में। लेकिन इन सब के बावजूद जो सलामत रहता है वो रहता है हमारा किया कर्म। तभी तो कहते हैं जो जिस शान से चला वो शान सलामत रहती है। आज सलाम उन्हीं गीतकारों को जिन्होंने इतना उम्दा काम किया, इतने बेहतरीन नगमे दिए। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन दोस्तों जाने से पहले वादा करिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और ये वीडियो शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, स्टे सेफ।